तुसी देख रहे हो ग्रीवन स्टोरीज ते मैं कुशागर हो गया एक होर वीडियो लेके हाजिर हाँ। प्राइम फोकस एट पटियाला पंजाब। काफ़ी देर तो पंजाब सरकार ने नशे ते गैंगस्टर लई ऑपरेशन शुरू किया होया है, जिस विच पटियाला दे मानयोग एसएसपी आईपीएस श्री वरुण शर्मा जी अते उन्हां दी टीम नू काफ़ी वड्डी सफलता हासिल हुई है। कुछ दिन पहला ही नाके ते चेकिंग दौरान एक गैंगस्टर जो कि पटियाला दे अर्बन स्टेट का रहने वाला साहिल उर्फ काला नामी गैंगस्टर, जिसके कोलों दो पिस्तौल 32 बोर दे ते 10 जिंदा रौंद ते एक I-20 गट्टी भी बरामद हुई है। पटियाला पुलिस का कहना है कि पिछले साल हुए कबड्डी प्लेयर पिंदे की मौत दे विच भी इसका हाथ है ते लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के पोस्टर पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच भी इस बंदे थ्रू लवाए गए सी। मानयोग DGP पंजाब अते IGP पटियाला रेंज दे दिशा निर्देश हेठ पटियाला पुलिस ने पिछले काफ़ी समय तो एक विशेष मुहिम समाज विरोधी अते क्रिमिनल अंसरां दे खिलाफ चलाई हुई है। उस मुहिम च सानू बहुत वड्डी कामयाबी उदों मिली जदों तुहानू याद होना कि कुछ समय पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी अज तो कई महीने पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी भिंदा मर्डर केस होया सी। बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस सी, दो गुटां दी लड़ाई च ताबड़तोड़ फायरिंग करके भिंदा नाम का जिहड़ा कबड्डी प्लेयर सी, काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा नौजवान सी, उहदी बड़ी बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। उहदा जिहड़ा मेन दोषी जिहड़ा सीगा साहिल, असी गिरफ्तार किया है। साहिल जिहड़ा आ इह अर्बन एस्टेट के क्वार्टरां का रहने वाला है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡਾ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਪਟਿਆਲਾ DSPD ਅਤੇ SPD ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। साहिल नाम के इस दोषी तो असी दो जड़े सोफिस्टिकेटेड पिस्टल ने भी बरामद किए, एक I-20 गड्डी भी बरामद की है। तो जिहड़ी तुहानू सारयां नू एक होर खबर दस दईए कि कुछ दिन पहला ही पटियाला के मशहूर भांडिया वाले बाजार दे विच एक नशे विच धुत व्यक्ति ने दुकान के अंदर गड्डी वाड़ दित्ती, जिसकी मौके की CCTV वीडियो की साढ़े को मौजूद है तो वो स्क्रीन पर पेश की जा रही है। हम इस तो बाद एक होर वड्डा अपडेट दस दईए पंजाब का कि 2 मई 2023 तो लैके 15 जुलाई 2023 तक पंजाब के सारे सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। पंजाब सरकार का यह वड्डा फैसला जिसकी वीडियो तुसी देख पा रहे होवोगे स्क्रीन पर, पंजाब सरकार ने फैसला किया कि पंजाब दे विच जिन्ने भी सरकारी दफ्तर ने, जिन्ने भी पंजाब दे सरकारी दफ्तर ने 2 मई तो उन्हां दा टाइम टेबल बदल लगे हैं। 2 मई तो पंजाब दे सारे सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो दोपहरे 2 बजे तक खुलणगे। जी हाँ, 2 मई तो दिन मंगलवार तो 7:30 बजे सवेरे पंजाब दे सारे सरकारी दफ्तर खुलणगे दोपहर दे 2 बजे तक, और 15 जुलाई तक ये फैसला जिहड़ा है लागू रहेगा।
क्योंकि 1 मई की मे डे की छुट्टी है सोमवार की, तो इस करके फैसला जिहड़ा है 2 मई तो लागू हो जाएगा। असी इस फैसले को लागू करने तो पहला बहुत सारे लोगों नाल भी गलबात की, लोग भी बहुत खुश ने कि गर्मी पैण तो पहला पहला साढ़े जिहड़े काम ने सरकारी दफ्तर च, कोई अर्जी देनी है, कोई प्रमाण पत्र लेना है, कोई भी सरकारी दफ्तर च काम है, असी गर्मी पैण तो पहला पहला वो काम करके अपने रोज़मर्रा की जिंदगी के कामों पर आ सकते हैं, साड़ी दिहाड़ी नहीं फुटनी, सो साड़ा दिन खराब नहीं होना। तो जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने भी गलबात की, वह भी इस गलते खुश ने कि असी सवेरे सवेरे अपने दफ्तर जावांगे, तो जदों तक गर्मी शुरुआत होगी या गर्मी पीक लोड होगा। इस तो बाद एक होर वड्डी खबर दस दईए कि थाना शंभू पटियाला जिले की टीम ने भी 2 बंदियां 13 किलोग्राम गांजे नाल रंगी हथ काबू किया है। दोनों व्यक्तियों के नाम बॉबी कुमार ते अमित कुमार दसे जा रहे हैं, जिन्हों उत्ते NDPC एक्ट तहत मुकदमे दर्ज कर दिता गए ने। बाकी पुलिस ऑफिशियल की बाइट की वीडियो मैं एक बार स्क्रीन पर प्ले कराँगा। मानयोग श्री वरुण कुमार शर्मा जी, सीनियर पुलिस कप्तान पटियाला जी के दिशा निर्देशों अनुसार, कप्तान पुलिस इन्वेस्टिगेशन श्री हरवीर सिंह अटवाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार, मुख्य अफसर थाना शंभू इंस्पैक्टर राहुल कौशल जी की टीम द्वारा सब इंस्पैक्टर कुलदीप द्वारा बहादुरकवा तेबला विच गश्त की जा रही थी। दौरान गश्त बॉबी उर्फ साहिल अते अमित कुमार नाम के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्ह के कब्जे विचों कुल 13 किलो गांजा बरामद होया। इत्थे भी वर्णन योग है कि 2-3 दिन पहला 3 तस्कर काबू किए गए सन, उन्होंने पासों भी 10 KG गांजा बरामद होया, जो दोषियों को पेश अदालत करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तो अप्रैल के महीने 7 नशा तस्कर काबू किया गया। ये बिहार तो लैके आए थे, जो सलम एरिए सप्लाई करते हैं, ये व्हीकल तो आते हैं, कद रास्ते व्हीकल चेंज करते रहते हैं, बस ट्रक अपने ट्रांसपोर्ट मिल जाए, जो इन्होंने सौखा मिल जाता है वो ट्रैवल करते हैं। ये जो इतनी इंडस्ट्री है एरिया हैगा, काफ़ी वर्कर काम करते हैं उस एरिए सप्लाई कर लेंगे। ये बैग इन्हों के कब्जे पिछले मिले ने, बरामद हुए। संदेश सीधा हैगा कि नशा मुक्त जो जिंदगी है बतीत करनी चाहिए है, नशा मुक्त जीवन के नाल ही इंसान अपनी डेस्टिनेशन की प्राप्ति कर सकता है। 2085 NDPS एक्ट तहत केस रजिस्टर्ड किया गया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मुख्य अपडेट्स नाल असीं तुहानूं वाकिफ कर दिता है। वीडियो खत्म करन तो पहला मैं तुहानूं गुजारिश करांगा कि क्रिमिनल स्टोरीज़ नूं सबसक्राइब जरूर कर देवो, तो बैल आइकन नूं भी प्रेस करना ना भुलियो, जिस नाल तुहानूं चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहन। तो वीडियो नूं वध तों वध लाइक कमेंट तो शेयर जरूर कर देवो। थैंक यू तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत साडी वीडियो तो साडे चैनल नाल जुड़े रहने लई।